तो थोड़ा सा हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि रेस्ट नहीं मिल पाता है ज़रा सा भी, मैं रेस्ट नहीं कर पाती हूँ। आप जब से मेरे ब्लॉग को देख रहे होंगे तब से मैं कंटिन्यूअस चलती ही रहती हूँ, मैं रेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, क्योंकि जानती हूँ कि रेस्ट करने का मतलब है कि सारा कुछ इधर से उधर हो जाएगा। इवन हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर डूइंग गुड, आई एम ऑल्सो गुड। तो बहुत दिन से मेरे वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न तो बहुत कुछ है, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपनी पढ़ाई को, अपने डेली लाइफ को, क्योंकि उससे ज़्यादा मेन रीज़न ये है कि मेरा मोबाइल जो है वो बेबी हमेशा रखती है, जिसके कारण से मैं ब्लॉग या कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। इवन मैं मोबाइल से पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। तो आप ऐसा ना समझें कि बस हो गया पढ़ाई लिखाई, ऐसा नहीं, आपको नहीं आपको सोचना है। तो मैं कोशिश करूँगी कि छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, और जहाँ तक आपसे कॉन्वर्सेशन ही किया करूँगी जब तक इसको ना समझ में आए। क्योंकि ब्लॉग में क्या होता है कि आपको दिन भर का पार्ट आपको थोड़ा थोड़ा शूट करके आपको रखना पड़ता है, देन आप उसको कंबाइन करते हैं और पब्लिश करते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा बिजी भी हूँ मैं, और आपको जैसे पता ही होगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है, तो दिक्कत तो हो जाती है। बट ये नहीं सोचें कि अब मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रह रही हूँ। और पढ़ाई लिखाई का जहाँ तक बात है, वहाँ तक आप लोगों को पता भी होगा कि अभी झारखंड पीजीटी का भी फॉर्म फिर से निकला है। तो पिछले बार क्या हुआ था, केवीएस के पहले पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला था, तो जिसका एग्ज़ाम के एक दिन पहले कैंसिल हो गया कि एग्ज़ाम नहीं होगा बहुत कुछ रीज़न के कारण, क्योंकि झारखंड के एग्ज़ाम में बहुत सारे विवाद चलते ही रहते हैं, हमेशा हमेशा कोई ना कोई विवाद चलता ही रहता है। लेकिन फिर से फॉर्म निकला है, तो बैठ के तो रहना नहीं है। जब अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में निकल चुके हैं तो आपको चलते जाना है, कभी आपको कभी सफलता मिलेगी कभी असफलता मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसी चीज़ पे लगे रहेंगे, ऐसा कभी नहीं करना है, और ना मैं करने को कहूँगी। क्योंकि हम लोग का मेन पर्पस है सेल्फ डिपेंड बनना, सेल्फ डिपेंड बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं तो सभी वीडियो में बोलती भी हूँ सेल्फ डिपेंड। देखिए सेल्फ डिपेंड बनने से क्या होता है ना कि आपको अपने लाइफ में सिक्योरिटी फील होता है, आपको खुद में सिक्योर लगेगा, ठीक है। और आप किसी भी फैसले को लेने के लिए हमेशा रेडी रहिएगा, कोई भी फैसला, चाहे वो अपने लिए हो, आपके बच्चे के लिए हो, आपके फैमिली के लिए हो, तो आप हमेशा लाइफ चली गई है, हमेशा रेडी रहिएगा किसी भी फैसले को लेने के लिए। किसी से आप किसी को आपसे आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सेल्फ डिपेंड बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आपको अंदर से आपका एक जो लाइफ है उसका एक नज़रिया भी मिल जाता है। तो बस इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़रूरी है। खैर अभी तो मैं खुद इस जर्नी में हूँ, तो मैं बस यही आपको समझाऊँगी कि आप देखिए बस हो गया। तो मैं बस अभी मैं भी खुद इसी जर्नी में हूँ, लेकिन मैं आप बस आप ये देख के सीख सकते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव तो सबके लाइफ में होता है, रीज़न अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन आप अपना लक्ष्य नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हो जाता है सोने का टाइम टेबल इधर उधर, तो वो फेस पे दिखने लगता है। बट आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, समय जैसा नहीं रहेगा, समय बदलेगा, समय बदलता भी है। तो बस आप अगर पढ़ते रहेंगे, आप मेहनत करते रहेंगे, तो आपको जीवन का हर खुशी मिल जाएगा। क्योंकि होता है बहुत लोगों के पास सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी होता क्या है कि अगर आपको कुछ, मान लीजिए कि आपको कुछ अपने लिए लेना है या अपने बच्चे के लिए लेना है या कुछ भी आपको ज़रूरत है, या आपको अपने माता पिता के लिए कुछ करने का मन करता है, तो सामने वाले के पास आपको हाथ फैलाना पड़ता है और उसके उसको हज़ार रीज़न बताना पड़ता है कि आपको इसलिए ये काम करना है ना। वहीं अगर आप सेल्फ डिपेंड रहते हैं तो आपको इतना किसी से कुछ नहीं पूछना पड़ता है, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं होती है कि आपको क्या करना है, आप खुद से फैसले ले सकते हैं, ठीक है। और आप देखिए कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप ये नोटिस कीजिए कि आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर आपके भाई होंगे और आप होंगे, अगर आप लोग दोनों को पढ़ाया गया है तो उनके पीछे उनका भी कुछ मकसद रहा होगा, ताकि आप एक समय उनका सहारा बन सकें। शादी होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक अलग आपकी आइडेंटिटी हो जाती है और आप अपने माँ बाप को छोड़ दें, नहीं। आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपना यूज कर सकते हैं। और रहा बात कि बहुत लोगों को अलाउ नहीं होता है घर से कि नहीं करना है, तो देखिए अलाउ के चक्कर में मत रहिए, आप अपनी पढ़ाई कीजिए, और आप गलत नहीं कर रहे हैं कि आपको डर है किसी से, ना समाज से आपको डरने की ज़रूरत है, ना आपको परिवार से डरने की ज़रूरत है। आपको पता है कि आप अच्छा अच्छा चीज़ सोच रहे हैं, आप अच्छे के लिए आप काम करना चाह रहे हैं, तो बस आपको मेहनत करते जाना है और हमेशा अपने मन से बोलना है कि आज नहीं तो कल अपने पैर पर खड़ा होना है, हमको कुछ करना है,
हम लोगों को ऐसे नहीं बैठ के रहना है। तो चलिए आपस थोड़ा सा वीडियो है उसको अप्रिशिएट कीजिएगा, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।